नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आपको बता दें कि वानसी के हृदय अस्थरी सेंटर में बसे मेडविन हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। उसके बाहर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाहर हम यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 20 वर्षों से लगातार यह हॉस्पिटल जो है वो सुविधाएँ देते आ रहा है मरीजों को। सिर्फ पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, साथ ही साथ बिहार से भी लोग आते हैं यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए, और जो सुविधाएं हैं उसका भी वह लाभ उठाते हैं। अगर आया हुआ है और उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा कोविड हॉस्पिटल इसे चुना गया था। साथ ही आपको बताना चाहेंगे करीबन 20 सालों से यह जो हॉस्पिटल भारतीय चिकित्सा संस्था द्वारा NABH एक्रेडिटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां पर आपको बता दें कि मेडिकल के साथ ही साथ सर्जिकल के भी जितने रोगी आते हैं उनका इलाज दर स्तर पे होता है। पैन कार्ड की भी योजनाओं के तहत जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज यहाँ पर मुफ्त होता है। आइए हॉस्पिटल के अंदर चलेंगे, मरीजों से भी जानेंगे, यहाँ के जो डॉक्टर डायरेक्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे क्या कुछ सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मिलती हैं, और साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फैकल्टी है कि लोग यहाँ पर आए और साथ ही यहाँ पर आने के बाद अपना वह इलाज करवा सके। आइए बातचीत में जानते हैं। आइए चलते हैं हॉस्पिटल में और यहाँ के डॉक्टर से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ जो मरीज आए हैं और स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कितनी खुशी है और क्या कुछ परेशानियाँ थी उनको, यह जानने की कोशिश उनसे करते हैं। आइए बातचीत करते हैं। लगातार आपको मेडविन हॉस्पिटल के मरीजों से हम मिलवा रहे हैं। आपने देखा जिस तरह से मरीज यहाँ बता रहे हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ थी उन्हें और किस तरह से वो यहाँ से स्वस्थ हैं, खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं, संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पे हमारे कैमरा में सारा कुछ कैद हो रहा है और आप तक हम पहुँचा रहे हैं। मेडविन हॉस्पिटल के एक सीरियस केस और भी था है, उन वहाँ पर हम आते हैं, उस मरीज से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हुआ है, कहाँ से आए हुए हैं वो और संतुष्ट हैं कि नहीं। आइए उनसे बातचीत में हम जानते हैं। देखिए डॉक्टर सर अभी चेक भी कर रहे हैं और उनसे हम जानते हैं, फिर सर से भी बात करेंगे क्या कुछ हुआ है उनको और उनकी बीमारी के बारे में भी। देख सकते हैं आप पैरों की दिक्कतें हैं इन्हें थोड़ी, तो पैर का भी चेक पैर कर रहे हैं ये। वाह क्या बात है, देखिए उठाओ 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 मोड़ो, इसको मोड़ो, शाबाश। पैरों की मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जानना चाहेंगे पहले सर से ही, सर क्या कुछ हुआ था सर? मैडम, ये पेशेंट जब हमारे पास आया था जी, यंग पेशेंट है और बाइक चला रहा था और गड्ढे में, सड़क से गड्ढे में काफ़ी गिर गया। अच्छा। गिरते ही इसके दोनों पैरों के निचले भाग में पूरा सुन्न हो गया, पैर नहीं चल रहा था और इसको फिर ट्रॉमा सेंटर ले गए। वहाँ पर करीब 12 घंटे तक रहा लेकिन वहाँ से संतुष्ट नहीं हुआ किसी कारणों की वजह से। तो इसके परिवार में 5 साल पहले किसी ने हमारे यहाँ ऐसे मरीज़ का इलाज कराया था, वो ठीक हो गया था। तो उसी पुराने पेशेंट के रेफरल से पेशेंट हमारे पास आया, तो दोनों पैरों में हमने एग्जामिन किया, दोनों पैरों में एकदम जान नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी। और फिर आया तो हमारे टीम के न्यूरोसर्जन ने इनको देखा और हम लोगों ने इलाज कराया। इलाज कराने के 12 घंटे के बाद से ही हरकत आना शुरू हो गई और आज आपने अभी देखा है कि पेशेंट अपना दोनों पैर हिलाना शुरू कर दिया है और एक पैर खींचा है, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सवेरे में देखने आया था तो इतना नहीं था लेकिन इसमें सवेरे से बेहतर है, मतलब कुछ घंटों में ही काफ़ी बेहतर है, अपना पैर आ रहा है। तो ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि हमारे मरीजों को इतना अच्छा त्वरित लाभ और इतना आश्चर्यजनक मतलब एक सफलता देते हैं, जो कि हम लोग भी सोचते हैं कि भगवान का ही सब कुछ है। हम लोग तो अपना काम करते हैं, मरीजों को भगवान मान के अपनी सेवा करते हैं, बाकी जो लाभ देना है उनके हाथ में है। तो उनकी बहुत कृपा है कि हमारे मरीज इतने अच्छी तरीके से इतनी जल्दी ठीक हो के जा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। क्योंकि सर हमने बाकी पेशेंट से भी बात की, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं वो। और साथ ही अगर बात की जाए इनकी, तो ये कब एडमिट हुए थे? मैम इनको एडमिट हुए करीब 10 दिन हो गया है। 10 दिन हो गया, 10 दिन के बाद ये इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है काफ़ी, जैसा आपने बताया कि ये चल भी नहीं पा रहे थे और दोनों पैरों में एकदम जान नहीं थी, चलना तो दूर है, खड़ा होना बैठना भी इनके लिए संभव नहीं था, केवल लेट के ही रह पा रहे थे, कोई हरकत नहीं थी दोनों पैरों के अंदर में।
और ये चूँकि हमारे पास लगभग 24 घंटे के बाद आए और जो कि काफ़ी लेट माना जाता है इस तरह के ट्रॉमा में, न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा में, अगर ये 6 घंटे के अंदर में आ गए होते तब तक तो अभी तो दोनों पैर चलना शुरू कर गए होते। मैंने देखा अभी मूवमेंट भी कर रहे थे वो पैरों से और आप करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पहले से भी ठीक नज़र आ रहे हैं जिस तरह से आपने बताया भी है। तो पैरों के अलावा और कहीं भी शरीर में चोट है उनके? कमर में चोट आई थी और सर में भी चोट आई थी, नाक पे थी, फेशियल ट्रॉमा भी था, तो ये सब था, वो सब दवाइयों से कवर हो चुका है लगभग, बस ये रिकवरी, न्यूरोलॉजिकल रिकवरी जो दोनों पैरों की है वो रह गई है। इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन जिस तरह से प्रोग्रेस मरीज दिखा रहा है हमें आशा है कि बहुत जल्दी लगभग 2-4 हफ्ते के अंदर में या 1 महीने में एक आशातीत सफलता मिलेगी। सर जिस तरह से ऐसे मरीज जब आते हैं एक्सीडेंटल मरीज तो बहुत कम चांसेस रहते हैं बचने के भी, और मूवमेंट जिस तरह से ये 10 दिनों के अंदर करने लगे हैं और आपने बताया कि बीएचयू जैसे ट्रामा सेंटर जैसे वहाँ से ये यहाँ पर आए हैं और इसके बाद करने लगे, बड़ी बात कहेंगे। तो सर आपकी टीम के बारे में भी जानना चाहेंगे कि सडनली टीम कैसी है आपकी? सर हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी टीम है मैम, NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है और जिसमें कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT और न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और सभी तरह के लगभग सारी जितने भी सर्जिकल ब्रांच हैं हम लोग के पास हैं यहाँ पे और हम लोग उसके साथ सेवाएं लगभग 20 साल से भी ज़्यादा समय से देते आ रहे हैं। सर कब तक, 1 महीने तक तो ये ठीक ही लग रहे हैं कि हो जाएंगे जिस तरह से मतलब ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया? इनिशियल स्टेज जो पेशेंट ने रिकवरी दिखलाई है उसके आधार पे हम लोग आशा करते हैं कि ये बहुत जल्दी इनको उठ के बैठ के चलना वगैरह शुरू हो जाना चाहिए। चलिए शुक्रिया सर, देख सकते हैं आप एक्सीडेंटल केस है, सुन हो गया है, पैर हो गया था, उठने कहीं बैठ भी नहीं पा रहे थे अच्छे से, यहाँ मेडविन हॉस्पिटल आए हैं, सर के अंडर में सर्जरी हुई है, चीज़ें मूवमेंट हुआ है पैरों का। देखिए पेशेंट हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है, सर ने भी बताया किस तरह से वो इनका ऑपरेशन भी किए हैं, चीज़ें चल रही हैं दवाइयाँ और 1 महीने के अंदर ही रिकवर, पूरी तरह से रिकवर करने की बात की जा रही है कि पेशेंट ये उठ कर बैठ जाए ऐसी बात कही जा रही है कि चलना स्टार्ट कर दे। पेशेंट से जानना चाहेंगे कहाँ से हैं आप? मैं बताई ज्ञानपुर से। ज्ञानपुर से हैं, कैसे एक्सीडेंट हो गया आपका? वो मैं आया था इधर, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए आराम से बताइए। इधर आया था न्योता था, हाँ उधर आया थे हम लोग, 3 लोग थे। हाँ। तो ट्रिपलिंग करके बाइक चला रहे थे? हाँ, मतलब कि थोड़ा सा स्टीयरिंग में थे। तो मैंने अगला से बोला कि लाओ मैं बाइक चलाएगा। अच्छा अच्छा, पहले ही मोड़ ले लिए ट्रिपलिंग, अपने जान का खतरा ले लिया। वो तो सर हैं यहाँ के जो डॉक्टर्स है वो आपको सही किए जैसा जहाँ तक लग रहा है, क्या बोलेंगे? डॉक्टर का ही मेहरबानी है कि जो क्योंकि हमारे गांव का जो डॉक्टर था उसने जवाब दिए कि आपके भदोही जिला में आपको कोई नहीं सही कर पाएगा इधर। अच्छा, ऐसा क्या दिया था उन्होंने? हमारे डॉक्टर ने किया क्योंकि हमारे गाँव के ही डॉक्टर लोग हैं, तो उसने बोले कि मेरे पास पेशाब सब नहीं हो रहा था, 2-3 घंटा 4 घंटा का रास्ता दिए तो नहीं हुआ, तो उसके लिए वो बोले कि आपको अभी भदोही जिला में कोई नहीं जाएगा, तो फिर उसने लिख के मुझको दिए तो इधर बनारस में आए। उम्मीद छोड़ दी थी आपने कि उम्मीद थी कि हाँ बनारस जाऊंगा किसी हॉस्पिटल में? नहीं, तो नहीं मतलब डॉक्टर ने लिख के दिए कि वहाँ पे आप जाओ, आप इथक करा के लाओ, तो हुआ तो हमारे रिश्तेदारी में हमारे मौसा थे उनके लड़के को ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा अच्छा, हमारे से भी ज़्यादा उसका हुआ था। तो आपने काफ़ी आपको चोट लगी? मैंने अगला से बोला कि लाओ मैं बाइक चलाएगा। अच्छा अच्छा, पहले ही मोड़ ले लिए ट्रिपलिंग, अपने जान का खतरा ले लिया। वो तो सर हैं यहाँ के जो डॉक्टर्स है वो आपको सही किए जैसा जहाँ तक लग रहा है, क्या बोलेंगे? डॉक्टर का ही मेहरबानी है कि जो क्योंकि हमारे गांव का जो डॉक्टर था उसने जवाब दिए कि आपके भदोही जिला में आपको कोई नहीं सही कर पाएगा इधर। अच्छा, ऐसा क्या दिया था उन्होंने? हमारे डॉक्टर ने किया क्योंकि हमारे गांव के ही डॉक्टर लोग हैं, तो उसने बोले कि मेरे पास पेशाब सब नहीं हो रहा था, 2-3 घंटा 4 घंटा का रास्ता दिए तो नहीं हुआ, तो उसके लिए वो बोले कि आपको अभी भदोही जिला में कोई नहीं जाएगा, तो फिर उसने लिख के मुझको दिए तो इधर बनारस में आए। उम्मीद छोड़ दी थी आपने कि उम्मीद थी कि हाँ बनारस जाऊंगा किसी हॉस्पिटल में? नहीं, तो नहीं मतलब डॉक्टर ने लिख के दिए कि वहाँ पे आप जाओ, आप इथक करा के लाओ, तो हुआ तो हमारे रिश्तेदारी में
हमारे मौसा थे उनके लड़के को ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, हमारे से भी ज्यादा उसका वो था। तो काफी आपको चोट लगी है जिस तरह से बात तोड़ी, आप बोले हमारे से भी ज्यादा। हाँ, हमारे से भी ज्यादा हमारे मौसे के लड़के को लगा था। जी जी। तो उनको लगा तो यहाँ हॉस्पिटल से वो ठीक होके गए हैं। तो हमारे जो थे पहचान वाले तो वहाँ पे लेके आए, वहाँ से रिपोर्ट करा के लेके आए तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने बोले कि देखो मैं सही करके देगा। डॉक्टर बोले कि मैं सही करके देगा आपको, क्योंकि सिर्फ वो आधार निकाले और यहाँ पे लेके रिपोर्ट आ गए। अच्छा, तो वहाँ से लेके आए तो डॉक्टर ने बोले कि ठीक है मैं जमा कर लेता हूँ। तो वहाँ से हमको आने में आते आते 7 घंटा बीत गया वहाँ से। अच्छा। आज जो कि आने में तो शॉर्टकट में आ गए तो 4 घंटा का, हम वहाँ उस टाइम आते 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 ट्रैफिक हो गया तो 7 घंटा हो गए। सर बता भी रहे कि काफी क्रिटिकल केस था आपका, टाइम लगा दिया आपने यहाँ आने पे। हाँ, 7 घंटा लगा, जो 4 घंटा का रास्ता है वहाँ पे हम लोग को आने में 7 घंटा लग गए। तो वहाँ से आते हुए समझ लो डॉक्टर ने बोले कि 8 दिन या 11 दिन हुआ है, मेरा पैर जरा सा भी नहीं उठ रहा था, ये दो के दोनों नहीं उठ रहा था। अभी उठ रहा अभी है, कैसा महसूस हो रहा है? अभी महसूस हो जा, कुछ भी गुदगुदी करो, कुछ भी करोगे हमारे पाँव में। हाँ। तो हमको अंदाजा मिल जा रहा है हमको पैर में कोई हाथ टच किया। जब आप 10 दिन पहले आए तो उस समय का क्या स्थिति आपकी? स्थिति थी कुछ की नहीं थी। सोचा था आपने कि सही हो जाएंगे यहाँ मैदान में आकर? हाँ, तभी भाई भरोसा वही लगा के ही यहाँ पे आए थे। तभी डॉक्टर साहब का मेहरबानी है, दे दिए 2-4-10 दिन जो लगा दिया और महीना। लगता है पूरी तरह से सही होकर जाएंगे? सही नहीं होकर जाएंगे तो फिर मैडम मतलब ही क्या निकलेगा यहाँ से आके? जिस तरह से आपने इतना रिकवर किया है 10 दिनों में, ऐसा तो सर ने भी बोला कि सही हो जाएंगे आप जल्द। अभी सुबह में भी एक मीडिया भी कोई आया था तो मैं उतना नहीं उठा था। सुबह में एक भी थोड़ा सा पैर हिला था, अभी दूसरी मीटिंग आए हैं तो अभी ज़्यादा उठा है। तो यहाँ के जो स्टाफ हैं बाकी डॉक्टर्स हैं वो टाइमली आते हैं? हाँ, टाइम से आ जाते हैं, टाइम से देखते हैं, देख रेख कर रहे हैं, देखभाल हो रहा है। खुश हैं? हाँ, खुश हैं, खुश हैं, पहले से बोल भी पा रहे हैं। हाँ। अच्छे से हो जा रहा है। तो भदोही ज्ञानपुर के राकेश से बात किया हमने, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया यहाँ पे आकर, किस तरह से उनका जो पैर है वो मूवमेंट कर रहा है और उम्मीद भी पूरा उन्होंने किया कि 1 महीने के अंदर वो यहाँ से स्वस्थ होकर अपने पैरों पे चल कर जाएंगे। आइए उनके माताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगी क्या कुछ कहना चाहती हैं यहाँ से और संतुष्ट हैं कि नहीं यहाँ के इलाज से। माता जी, जानना चाहेंगे आप ज्ञानपुर भदोही से आ रही हैं यहाँ पर, क्या लग रहा था जब इनका एक्सीडेंट हुआ था आपके बेटे का, तो क्या वो बच पाएंगे या नहीं, क्या लगा आपको? हमको लगा कि इनका पैर एकदम सुन्न है, ये तो नहीं ठीक होगी। कहा तब लेके वहाँ गए BHU में, BHU में कोई इलाज नहीं भैया, तो यहाँ तीन उम्मीद छोड़ दी थी आपने जब BHU गए थे तो। हाँ। क्या बोलना था वहाँ के डॉक्टर का? वहाँ के डॉक्टर कुछ भी इलाज नहीं बोले, कुछ भी इलाज नहीं बोले। हम लोग यहाँ पर निकाल के लेकर के चले आवा खाली एक्सरे करा के। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर डॉक्टर कहें कि हम 80% ठीक है, उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे, तो वही उम्मीद पर हम लोग लेकर के चले आए। तो यहाँ पर तो कुछ तो पैर में जोर आता है तो वही उम्मीद से हम लोग दवा कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि पेशेंट को हमने देखा जिस तरह से क्रिटिकल कंडीशन थी इनकी, अभी मूवमेंट कर रहे हैं उनके पैर लेग घूम रहे हैं, साथ ही आपको 1 महीने के अंदर डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक कर देंगे, क्या लगता है आपको, खुशी खुशी जाएंगी यहाँ से? हाँ भैया, खुशी खुशी से तो जाए बदे लगत है कि भगवान का भरोसा बा, डॉक्टर का भरोसा बा, क्योंकि डॉक्टर को ही भगवान के रूप कहा जाता है। तो डॉक्टर जो यहाँ के इलाज करे उनके बारे में बताइए। डॉक्टर बोलत हैं कि ठीक यहाँ से हो जाएंगे तुम्हारे लड़के, तब लेकर के जाना खुशी खुशी से। अच्छा अच्छा, आपको क्या उम्मीद लग रहा है सही हो जाएंगे? हाँ, अब तो लगत है कि हमारा लड़का का पैर आ रहा है। लग रहा है आप खुश हैं? खुश हैं भैया। चलिए आइए, देखिए उनकी पत्नी भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नीमा। नीमा जी, क्या लगा था जब इनका एक्सीडेंट हुआ, उस समय क्या पहला सोच क्या था आपका, क्या कि सही हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या पहला सोच? तो देखे पे बहुत घबराहट हुआ। हाँ। बाद में मैं घर पे थी,
उसके बाद में मुझे अब फोन आया कि मैंने इधर से निकाल के अभी दूसरा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप आ रहे हैं नहीं? मैं बोले ठीक है, मैं कल आती हूँ देखने। तो आने पर नहीं, मैंने भी सुने कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी मैंने 14 दिन के बाद थोड़ा राहत दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, अभी देखे के अनुसार से सुई दवा की वजह से 10 दिन में थोड़ा पाँव मुड़ने लगा, मालिश करने में अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद लग रही है पूरी तरह से। और ऐसा तो पहला दिन पे देखने में तो बहुत भारी अपने पड़ा था। हाँ, समझ रहे, अभी काफी देख रहे फर्क है पहले और अब में। अब मैं देखने में भी तकलीफ दिल में नहीं हो रहा है। अच्छा, अपने के तकलीफ ये नहीं हो रहा कि मैंने क्या कर रहे क्या नहीं, अभी अच्छे होने की वजह से अपना तकलीफ नहीं है। सुविधाएं सारी अच्छी हैं यहाँ? हाँ, की सुविधा सब कुछ अच्छा है, रहने के सब कुछ व्यवस्था अच्छा है, डॉक्टर्स वगैरह स्टाफ कैसे सब है? सब अच्छे। खुशी 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 जाने का एकदम प्लान बना लिया आपने यहाँ अगर आई है मेडविन में तो। हाँ, चल शुक्रिया। आप देख सकते हैं हम बात कर रहे थे परिजन से, एक्सीडेंटल केस है साफ तौर पे देखा, परिजन भी खुशी खुशी यहाँ से जाने की बात कह रहे हैं और डॉक्टर्स पे हमने बात किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 महीने के अंदर जो ये पेशेंट है वो अपने पैरों पे चलकर यहाँ से जाएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, जयदेश न्यूज़।